कॉन्फ्रेंस चल रही है सियाद चौधरी की, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थान ग्रहण किया था और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट कही कि मेरी सरकार गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित, वंचित, महिलाएं, युवाओं को समर्पित रहेगी और वो उस पर खरे उतरे। पिछले 10 सालों के अंदर मोर देन 140 स्कीम्स जिनमें पार्टी का जो रियल मोटिव है यानी पंक्ति के पीछे जो खड़ा हुआ है, सबसे जो अंत में खड़ा, उसको कैसे आगे लाया जाए, इन सारी योजनाओं का यदि कोर देखेंगे, यदि इनको अंदर से देखते हैं, सब में इस गरीब कल्याण के बारे में बात होती है। चाहे आपका कोरोना काल था तो भी उन्होंने आपदा को अवसर में बदल के गरीब कल्याण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा कर रहे हैं। इसलिए किसानों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको 2015 की घटना बताता हूँ। 2015 में पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, राइट फ्रॉम द मध्य प्रदेश टू ऑल नॉर्दर्न इंडिया, बहुत खराबा हुआ था। फरवरी के महीने की बात है और उस खराबे के कारण 50% खराबे से 49% लिख दिया तो उसके बाद में उसको कुछ नहीं मिलता था। मोदी साहब के पास में ये सब्जेक्ट आया तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 50% की जगह पहली बार 33% जो खराबा होगा वो भी, उसको भी मान्य किया जाएगा। तो पहला जो काश्तकारों को सरकार बनने के कुछ महीनों के बाद ही उपहार जो मिला वो ये था। इसके अलावा चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे वो आपका किसानों के लिए आगे जाके सम्मान निधि के रूप में दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लंदन में एक कार रैली का आयोजन किया। ये रैली भारत में आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को समर्थन प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोमालिया में भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी। 40 घंटे चले मार्कोस कमांडो के ऑपरेशन में 35 समुद्र